नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में शेयर कर रहे हैं। ये मेहरौली गांव के साथ में है। मेहरौली गांव बहुत पुराना गांव है। मेहरौली गांव के साथ अगर आप देखें तो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, और उसके कुतुब कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे ये मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। अब जैसे देख सकते हैं, यहाँ से कुतुब मीनार आपको दिखाई दे रही है। यहाँ इस पार्क में बहुत सारे पुरातत्व, बहुत पुराने कंस्ट्रक्शंस है। ये फॉर एग्जांपल आपको ये जो सामने दिख रही है जमाली कमाली मकबरा है। ये छतरी जो है ये ऊंचाई पे बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के वायसराय थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, एकांत में यहाँ आके स्टडी करते थे। इस जंगल में आप जैसे देख सकते हैं कुछ टूटा फूटा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये उस ज़माने की शहर है, मुग़ल कालीन ज़माने की शहर है, जो भूकंप से धीरे धीरे टूट के खंडहर में बदल गए। यहाँ पे बहुत सारे मुग़ल कालीन शासकों के मकबरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुली खान, बलबल का मकबरा, खान साहिद का मकबरा, राजों की बावली, बहुत सारे पे यहाँ पे पुराने कलाकृतियाँ हैं। इस प्लेस के बारे में इवन कि दिल्ली के लोगों को भी बहुत कम जानकारी है, लेकिन अब 2-3 सालों से गवर्नमेंट इसको टूरिज्म के रूप में डेवलप कर रही है, और धीरे धीरे अब फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन हाल ही में आप जिसे देख सकते हैं, अभी फिलहाल बना है, जिसे लग रहा है कि इसी साल का बना हो। इस आर्कियोलॉजिकल पार्क में लोधी कालीन कुआं भी है। यहाँ पे गुलाब की खेती होती है, विभिन्न कलर के गुलाब आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे उगाए जाते हैं। लाल कलर के, उजले रंग के, काले रंग के, गुलाबी रंग के। देखिए ये मुग़ल कालीन कुआं है। जो अब ऑलमोस्ट भर गया है, लोग कचरे डाल डाल के इसको भर दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आएंगे, इस इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग। धन्यवाद।